कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। एक और नया दिन, एक और नई कहानी। आज दिनांक 19/7/2023 जो आज का दिन शुरू हो रहा है मेरे आसियाने से, मेरे स्टूडियो से, मेरे कमरे से शुरू हो रहा है। और नहा धो के फ्रेश फ्रेश होके रेडी हो चुका हूँ। अब रोज़ की तरह शिवालय में जाऊँगा, जल चलाऊँगा और आप सबकी और मेरी सबकी मांगो, पूरे संसार की खुशहाली मांगो, उसमें से आप भी हो एक, ठीक है। सबकी मांगे चलोगे तो तुम्हें भी मिलेगा, ठीक है। अपने अपनी स्वार्थी नहीं होना कभी, क्या नहीं होना, स्वार्थी नहीं होना, अपने लिए नहीं सोचना, सबके लिए सोचना है, ठीक है। तो माहौल ऐसा है, अभी मैं जाऊंगा मंदिर, नहा के रेडी हो चुका हूँ। आज से मैं चश्मे लगा के ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आंखें नहीं दिखनी चाहिए। तो ऐसा ऐसा सिस्टम है। बाकी उठ गया था मैं 7:30 बजे, ठीक है। रात को नींद ही नहीं आई क्योंकि कल दिन में भी सो गया था, तो हो जाता है माहौल, समझा करो बातों को। बाकी ट्रायल पेस्ट्री भी मंगा दी है, वॉल ब्लैंकेट वॉल बढ़िया वाली है एकदम, उसकी भी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे तुम्हें जब वो आ जाएगी, अभी आ ही नहीं है। बाकी चलो ठीक है, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं बाबा भोलेनाथ के, जल अर्पित करके वापस मिलते हैं। अगर कोई नहीं होगा मंदिर में तो आपको भी दर्शन करवाएंगे बाबा भोलेनाथ के। तो ये सावन का जो महीना होता है ना, इसमें दबा के भक्ति करो, भजन करो, पीस में रहो, बस ये महीना इसलिए ही होता है। तो मोहब्बत है भोलेनाथ से, तो अभी जाते हैं जल वल चढ़ाते हैं। और दिल्ली में भी था तो वहाँ भी चढ़ा रहा था मैं, गुड़गांव था तो सामने 100 मीटर में मंदिर था तो वहाँ भी रोज जाता था, और यहाँ भी घर के 100 मीटर भी नहीं है, शिवालय है तो क्या दिक्कत है यार, 5-10 मिनट लगेंगे, अपने शरीर भी सही रहता है, माइंड भी सही रहता है, ऊर्जा भी मिलती है। तो ये सिस्टम, चलो ठीक है, जाता हूँ जल वल चढ़ाता हूँ, फिर मिलता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे बहुं भवानी सरिदं नमामि। लोगों मंदिर से आ गए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लच्छा पराठा विद दूध खा कर अब थोड़ा काम जाम बुक शुक पढ़ते हैं। और ये बिल्ली ने बड़ा परेशान किया, मैं करती रहती है यार, ये दिमाग खराब हो जाता, समझ रहे हो। बाकी चलो ठीक है भाई। लोगों हम जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस करवाने, और पाड़ा जी की फ्रेंड आई हुई है पाकिस्तान से, सीमा हैदर। तो आप क्या बोलना चाहोगी, कौन सी साजिश है तुम्हारी फ्रेंड आई हुई है सीमा हैदर? तो तुम्हारी फ्रेंड है, इनको ही जांच एजेंसी वाले इन्हें इन्हें वो दे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते इन्हें, चाबी मेरी गाड़ी की रिजर्व में वे ले लियो है ना, वही है ना। इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्हें देना चाहिए क्योंकि इनकी फ्रेंड है ना वो। चलो चार पासपोर्ट क्या क्या करवा रहे बाड़ा की तुम यार। बाकी अभी हम जा रहे हैं रामनगर, बाड़ा जी की गाड़ी की सर्विस करवानी है, समझ रहे हो। ओहो गर्मी हो गई, कल तक ऐसी बारिश हो रही थी, मजा आ गया था, पर आज बारिश हो रही है। बाकी सब ठीक है, मिलता है रास्ते में, कैसा रहता माहौल, कैसा नहीं रहता, ठीक है। अरे कहाँ करवाई, बारिश हो रही थी, लचा भी दे पाड़ा यार, अपनी बहन को वापस पाकिस्तान भेजो यार। हैं ना रामनगर
रामनगर यार, रामनगर। पहुंच गए हैं भाई लोगों सर्विस सेंटर, पाड़ा के अंदर गए हैं मैकेनिक से बात करने। मैं बाहर खड़ा हूँ, फुल चिरांड वाली धूप हो रही, चिरांड जिसे कहते हैं ना, और बस ऐसे माहौल चल रहा है। आके बाद में मिलते हैं यार घर जाके। भाई लोगों का काम चल ही रहा है, अभी समय हो चुका है 2:50 और बस काम करवा के बस आधे घंटे में निकलते हैं। भाई लोगों घर पहुंच चुके थे सर्विस करवा के, फिर उसके बाद आया मैं छत में आया तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। टाइम लैप्स बनाए तो वो मज़ा नहीं आ पाया जो मज़ा चाहिए था टाइम लैप्स में। बादल चल ही नहीं रहा, तो नहीं क्या दिक्कत आ रही है, पर एक और बार ट्राई करूँगा 64x में। पहले 32x में बनाया था, अब 34x में बना के चेक करूँगा कि हो रहा नहीं हो रहा मामला। जैसे भी आपको वीडियो टाइम लैप्स लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चलो ठीक है, इन्जॉय लो बाकी टाइम लैप्स के नज़ारे लो। भाई लोगों बन तो गई है टाइम लैप्स, बाकी आप कमेंट करके बताना कैसे बनी है। जो मुझे चाहिए था वो तो फील आया नहीं, बट बन गई है जैसे भी बनी है, समझ रहे हो। अब मैं दोबारा बढ़ा रहा हूँ बाल, तो एक गंदे से लग रहे होंगे तो बाल सॉरी, बड़े बाल ही ठीक रहते हैं है ना, बड़े बाल में रहेंगे फुल पावर, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सीन नहीं है। अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं। जाता हूँ नीचे, 15 मिनट बैठा मैं, 15 मिनट में 15 सेकंड की वीडियो बनी, पर वो नहीं बनी जो मुझे चाहिए थी, फील चाहिए। बादल इतने तेज चल नहीं रहे ना, बहुत धीरे ट्रैवल कर रहे हैं बादल, बहुत ज़्यादा धीरे, क्योंकि हवा नहीं चल रही है और उमस सी हो रही है। बारिश के बाद धूप आ जाती है तो उमस ही हो जाती है, तो मैं पता ही है सिस्टम कैसा हैंग हो जाता है। बाकी चलो ठीक है।